शासकीय कर्मचारी द्वारा शासन की भूमि पर किया गया अवैध कब्जा जल्द कार्रवाई हो। लांजी नगर परिषद लांजी के वार्ड नंबर 15 नीम टोला के कुसना जी आसटकर के द्वारा जल संसाधन अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत कर बताया गया कि नीम टोला थाने गांव नहर मार्ग जो कि शासन की भूमि है तथा नहर के बीचों बीच से दोनों तरफ 40-40 फीट छूटी हुई है, जिस पर मार्ग भी बना हुआ है, परंतु नीम टोला निवासी लोकेश्वर सोनवाने के द्वारा किनाल की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। यह एक सरकारी कर्मचारी भी है, इसके द्वारा अन्य किसानों को शासकीय भूमि से आने जाने नहीं दिया जाता है। लोकेश्वर सोनवाने एक शासकीय कर्मचारी है और इसके द्वारा एक शासकीय भूमि का कब्जा किया गया है। इसके द्वारा मेरे काम करने वाले कर्मचारी के साथ भी मारपीट की गई, जिसकी शिकायत मेरे कर्मचारी के द्वारा थाना लांजी पहुंचकर आवेदन देकर शिकायत की गई तथा कुसना जी आसटकर के द्वारा जल संसाधन अधिकारी से आवेदन देकर कहा गया कि लोकेश्वर सोनवाने को शासकीय भूमि पर नाप जोक कर अवैध कब्जा हटाया जाए एवं इस पर कड़ी कार्यवाही की जाए। इनका कहना है, यह जानकारी मेरे संज्ञान में आई है, इसकी मैं पूरी तरह से जांच पड़ताल कर पटवारी को ले जाकर नक्शा से मिलान कर क्लियर करवाया जाएगा एवं यह भी देखा जाएगा कि केनाल की शासकीय भूमि कितने फीट पर आती है, क्योंकि सभी जगह एक जैसा नाप नहीं है, जिसकी मेरे द्वारा पूरी जांच पड़ताल करवाई जाएगी। अगर किसी किसान ने केनाल की शासकीय भूमि पर अगर कब्जा किया है तो उन्हें कार्यालय से नोटिस भिजवा कर एवं जुर्माना कार्यवाही मेरे द्वारा की जाएगी। नागेंद्र सिंह ठाकुर, SDO, MPCG 24 न्यूज के लिए लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मैं धनेश कुमार आसटकर, टोला वार्ड नंबर 15 का निवासी हूँ। यहाँ पर एक्चुअली केनाल की जो जमीन है, सेंटर से उधर में 40 कड़ी आना चाहिए, सीधे सेंटर में 40 कड़ी, ईस्ट साइड में 40 कड़ी, वेस्ट साइड में 40 कड़ी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे ग्राम के निवासी लोकेश्वर सोनवाने जो द्वारा अवैध रूप से इस केनाल की जमीन में कम से कम 20 से 25 फुट अंदर में कब्जा किया हुआ है, जहाँ पर यहाँ पर आवागमन कभी काल किसान अगर ट्रैक्टर ले जाना चाहे या आप जानवर ले जाना चाहे तो वहाँ पर अनेक प्रकार की परेशानी होती है। इसके बावजूद इनको समझाने पर ये समझते नहीं और पटांग गाड़ी देते हैं, क्या कर लोगे, क्या करना है, जैसा लगता है वैसा कर लो और अवैध समझ के इस जमीन को कब्जा करके रखा। आज क्या हुआ? आज उनने उसी प्रक्रिया पे उनको हम समझाने के लिए गए, यहाँ पर एक बकरी केनाल पे चल रही थी, उस बकरी को मारने के लिए दौड़ा और बोला कि मेरे हक की जमीन है। उसको समझाने के बावजूद वो इंसान समझ में नहीं आया और अभद्र टिप्पणी क्या कई प्रकार गाली गलौज दिया और हमारे नौकर हरी किशन को मारने के लिए दौड़ा। हमारे पास एक काम करता इस वर्कर को मारने के लिए दौड़ा, इसको अभद्र रूप से शंकर। क्या करते हैं, किस क्या काम करते हैं? आसट करके काम करते हैं। क्या देखा तुमने आज? ये हरिचंद को गाली गलौज दे रहा था। कौन? लोकेश्वर सोनवाने। फिर क्या हुआ? इसके बाद में इसकी देख लूंगा, देखिए इसके पीछे दौड़ा हो गया। इसके बाद गिर गया है। कहाँ? नहर। क्या नाम है? हरिचंद। कहाँ काम करते हो तुम, कितने काम कर रहे हो? क्या हो गया? बकरी यहाँ चले गई थी थोड़ा सा, इसलिए गिरा था। वो किसके खेत में? उसी खेत में। क्या नाम है? उसका नाम मालूम नहीं। लोगों का हरी से किस क्या काम कर रहे थे आप? क्या हुआ आज? हुआ नहीं, बकरी इसके खेत में रही तो। किसके खेत में? लोगों का सामान। हाँ, किसकी बकरी थी? गणेश। हाँ, फिर क्या हुआ? वो गाली गुलाज दे रहा था। किसको? मेरे को। हाँ, फिर भाई भी उसको गाली गलत दिया। हाँ, कुछ नहीं बोला। हाँ, वो तो मैंने बोला ज्यादा ही बात करेगा। तुमको मारा क्या? मारा ही। हाँ, मारने दौड़ा।